दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप बर्ड्स रख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद आपको किस तरह से रखना चाहिए, या फिर प्रॉपर आप जिस तरह से रख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा क्या मेंटेनेंस करना होगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बता दिया है मॉर्निंग रूटीन में जो देना है इनको वो चना देना है। सबसे पहले 365 दिन ये चलेगा चना, सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में। उसके बाद 10 बजे 11 बजे आप थोड़ा सब्ज़ी वगैरह के पत्ते वगैरह डाल सकते हैं साग सब्ज़ी के। उसके बाद दोपहर को आप थोड़ा सा चावल डाल सकते हैं, शाम को हल्का रोटी दे सकते हैं, और सुबह शाम तक आप सीड्स दे सकते हैं, वो होगी खाने पीने के बाद। साथ ही साथ इनको जो रखने का तरीका है उनको थोड़ा सा बड़ा केज में आप रखें, जो मैं अभी केज दिखा रहा हूँ ये तो छोटा केज आपको दिखाई दे रहा है, जब मैं इसे रखता हूँ तो बड़े केज में रखता हूँ। और साथ जब केज आप जहाँ रखते हैं उसके अगल बगल में पेड़ पौधे अगर रहते हैं तो उसके बीच में इसे रखें, ताकि इनको भी एक नेचुरल फीलिंग आए, ताकि ये भी हैप्पी रह सकें। आप इसका कलर देख सकते हैं और इसका साइज भी देख सकते हैं, ये एक मेल है और लगभग लगभग ये 6 मंथ का हो चुका। गले के ऊपर देखेंगे तो हल्का सा ब्लैक कलर भी आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं करीब से दिखाऊंगा आपको। गले के ऊपर ध्यान से अगर देखेंगे तो हल्का सा ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा, यानी कि लगभग 6-7 मंथ 8 मंथ तक आपको पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल। बचपन में बहुत से लोग पूछते हैं कि मेल है फीमेल है तो बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन 80% चांसेस सिर्फ होता है कोई बता पाएगा मेल है या फीमेल। ये एक मेल है, इसका चोंच भी देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कलर का है, और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, पैर भी क्लियर है आप देख सकते हैं, इस तरह से क्लीन होना चाहिए बॉडी पूरा। ये एक हेल्दी पैरोट की निशानी है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे इनको नेचर के पास रखना चाहिए, नेचुरल चीज़ों के पास रखना चाहिए, पेड़ पौधे के पास रख सकते हैं। आपके अगर घर में अगर गार्डन है तो आप उस गार्डन के बीच में से रखें, या फिर आपके घर में मतलब अगर नहीं गार्डन भी नहीं है तो आप जैसे गमले वगैरह होते हैं 4-5 गमले के बीच में इसको आप रखते हैं तो इनको एक नेचुरल फीलिंग आता है और इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से रख सकते हैं, रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, डाइट्स भी थोड़ा मोड़ा मैंने बता दिया है। कलर आने का सबसे अच्छा तरीका है, कलर जो है और फेदर गिरने का प्रॉब्लम, ये सारा कुछ सॉल्व करना चाहते हैं तो सीड्स आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग सीड्स नहीं देते हैं, चना और सीड्स इसके ऊपर ये इनका कलर का ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा अगर नेचर के पास रखेंगे तो ये भी खेलते रहेंगे और खुश रहेंगे हमेशा। केज आपको बड़ा रखना है, केज अगर छोटा भी है तो भी आपको गार्डन के पास रखना है या गमले के पास। इस तरह ग्रास आप लगा सकते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, और ताकि और इसको बीच बीच में निकालना भी है, हैंड टेम करने के लिए आपको इसको बीच बीच में बाहर भी निकालना होगा, और जब भी आप निकालते हैं तो फेदर वगैरह को काट के निकालें ताकि ये फ्लाई ना कर सकें, क्योंकि अगर ये फ्लाई कर जाएंगे तो फिर ये वापस नहीं आएंगे। इस तरह का देखिए नेचर के बीच में इसको रखना अच्छा होता है। ये मैंने आपको बता दिया रखने का तरीका, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जिस तरह से रख रहे होंगे उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, केज हल्का सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे अगर हो सकता है तो, अगर नहीं भी हो सकता है तो सुबह में चना तो ज़रूर देना है। और सीड्स के लिए आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे में आपको फेसबुक आईडी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीड्स 250 रुपीज़ केजी मिल जाएगा, 1 केजी लगभग 6 मंथ चल जाता है, यानी 500 में आपका 1 ईयर तक चल जाएगा। सीड्स देने का तरीका मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे देना है, और भी मैंने सीड्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये मेरा पैरोट है, आप देख लीजिए क्या कलर क्वालिटी है, साइज कैसा है, आपको कैसा दिखता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा फेसबुक आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए यहाँ तक आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।